Here I'm going to discuss some definitions regarding probability. And इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया है. आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. वीडियो पे सीरियल नंबर पड़े हुए हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ही साथ मैं जो एक्सपेक्टेशन का चैप्टर है उनके क्वेश्चंस को भी, उनकी सीरीज को मैं मतलब सॉल्व करती जाऊंगी, और उन वीडियोस पे भी नंबर, चैप्टर नेम और वीडियो नंबर भी पढ़ा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. अदरवाइज मैं प्लेलिस्ट में सब अरेंज कर दूंगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं. हमने लास्ट डिस्कस किया था टोटल एग्जॉस्टिव केसेस और इन केस ऑफ कॉइन, डाइज एंड ईयर. अब नेक्स्ट है हमारा, आपने कार्ड्स के बारे में पढ़ा होगा. जो हमारा कार्ड का डेक होता है उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? उसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 52. एक जो पैक होता है हमारा, टोटल उसमें 52 कार्ड्स होते हैं. अगर हम आपसे पूछें कि इसके टोटल एग्जॉस्टिव केसेस कितने होंगे, तो उसके देखिए टोटल एग्जॉस्टिव केसेस होंगे 52C1. मतलब कि उसमें से अगर हमें एक कार्ड भी ड्रॉ करना है तो उसको हम 52 तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. अब वो 52 कार्ड्स में आपको उन कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. उसमें होता है आपका स्पेड होता है, आपका हार्ट होता है, क्लब होता है एंड डायमंड होता है. अब आपको इनके कलर्स को भी याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन होते हैं जिनमें आपको नाम ना बोल के कलर बोल देते हैं कि ब्लैक कार्ड्स को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी या फिर रेड कार्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी या कुछ इस तरह से बोलते हैं कि आपको उनके साथ कलर्स भी याद होने चाहिए. अब ऐसा कार्ड होता है जो आपने देखा होगा, और ये कार्ड जो होता है ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं स्पेड. और ये कार्ड जो होता है वो होता है 13. मतलब स्पेड के जो कार्ड होते हैं वो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं. अब इसी तरह से होता है क्लब. क्लब लीफ की तरह होता है, ऐसा आपने देखा होगा. ये भी टोटल 13 कार्ड होते हैं और ये भी ब्लैक इन कलर होता है. और जो रेड कार्ड होते हैं, तो ये जो ब्लैक कार्ड है, दोनों 13+13 टोटल ब्लैक कार्ड्स आपके पास हो जाएंगे 26. टोटल आपके पास कार्ड हो गए 26. इसी तरह से जो आपके रेड कार्ड्स होते हैं डायमंड, आपने डायमंड का शेप ये होता है और ये आपका होता है रेड कार्ड, ये भी 13 इन नंबर होते हैं. और फिर आता है आपका हार्ट कार्ड जो भी 13 ही नंबर्स में होता है. ये दोनों ही कार्ड आपके रेड होते हैं, तो टोटल रेड कार्ड का जो नंबर होता है वो हो जाता है 26. तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कार्ड्स होते हैं ये आपके नंबर्स में सिमिलर होते हैं, बट कलर्स में ये दो सेम होते हैं एंड ये डिफरेंट होते हैं. तो जो आपका स्पेड कार्ड है या फिर जो क्लब है या डायमंड है या हार्ट है, उनमें आपका पहला कार्ड जो होता है वो होता है एस, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आते हैं. फिर आता है आपका जैक, जिसको कि आप क्या कहते हैं, नेव भी कहते हैं. फिर आता है क्वीन, फिर आता है किंग. तो जो जैक, क्वीन, किंग होते हैं इनको आप फेस कार्ड भी कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन में फेस कार्ड बोला गया, दैट मीन्स वहां पे बात की गई है जैक, क्वीन एंड किंग के बारे में. अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं कि 52 कार्ड्स हैं आपके पास और आपको उनमें से कोई भी आर कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो टोटल केसेस उसके बनेंगे 52CR. मतलब उन आर की जगह पे कोई दो कार्ड भी हो सकते हैं, फेस कार्ड भी हो सकता है, कोई सभी कार्ड हो सकता है. तो आपको ये जो ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है, तो 52 हमेशा यहाँ पे रहेगा, सी और आर की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, उनके अकॉर्डिंग आप उन कार्ड्स को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं.